Good morning, class. Good morning, students. How are you all? Fine, very good. Now, you all see here, what is the date today? Today is, very good, it is 28. And which month is going on? It is March. Very good. So, everybody see here, ma'am is going to ask you something. And ma'am, aapse kuch poochne wali hai. Yes. ओके एंड क्या पूछने वाली है हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप में से कितने बच्चों को खूब सारे वेजिटेबल्स खाना एंड फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है रेज योर हैंड्स इन द क्लास काफी बच्चों को मैं जानती हूँ वेजिटेबल्स पसंद नहीं है ना खाने अच्छा आप में से कितने बच्चों को पसंद है कौन बच्ची है कितने बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स खा सकते हैं वेरी गुड सी मैम को भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत पसंद है एंड यू नो व्हाट आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल्सो मैम के घर के पास एक बहुत सुंदर गार्डन है अब मैं आपको लेके चलती हूँ सी यू ऑल लुक हियर दिस इज मैम्स ब्यूटीफुल गार्डन हाँ कुछ इस तरह का मैम का गार्डन है बहुत सुंदर सा देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेबल्स बहुत सारी सब्जियां वहां पर लगी है कुछ फ्रूट्स भी लगे हैं लेकिन वेजिटेबल्स बहुत है ब्रिंजल है टोमेटोज है कॉलीफ्लावर है रेडिश है कैरेट है लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यस बट यू नो व्हाट इज हैपनिंग अभी ना कुछ दिन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम इज की वहां पे लास्ट 4 to 5 days बैक से मंकीज एंड कुछ अदर एनिमल्स आ रहे हैं एंड वो क्या कहते हैं खाते भी है वेजिटेबल्स को बट उससे सॉरी बट उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं वो सब निकाल निकाल के फेंक देते हैं अब मेरे को ये प्रॉब्लम है कि व्हाट शुड आई डू मैं क्या करूं सो दैट इस प्रॉब्लम से मुझे सोल्यूशन मिल जाए आई टॉक विद माय नेबर मैंने अपने नाबर से बात की जो मेरे पड़ोसी है देन ही सजेस्टेड मी व्हाट ही सजेस्टेड मी टू पुट अ वायर अराउंड द बाउंड्री ऑफ द गार्डन उन्होंने बोला कि गार्डन के चारों तरफ एक बाउंड्री में वायर लगा दो अब द प्रॉब्लम इज दिस कि मेरे को वायर लेके आनी है तो कितना वायर लेके आया जाए हाउ टू मेजर इट कैसे मैम इसको मेजर करें कैसे So today we'll know about perimeter. What? Perimeter. So, dear students, to find out that how much wire we require to cover the boundary of this garden, we need to find out the perimeter of this garden. हमें इस garden का perimeter find out करना है, right? So, इसको find out करने के लिए मेरे नाबर ने क्या किया उनको जरूरत थी ना गार्डन में वायर उनको लगाना है तो व्हाट ही डिड ही स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ही स्टार्टेड मेजरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने यहां से इसको मेजर करना शुरू किया पहले यहां से यहां तक मेजर किया राइट ये था 15 मीटर इसका यहां से यहां तक जो मेजरमेंट था 15 मीटर देन ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट It was 20 meter. Again he moved from here to this direction and it was again 15 meter. Ye bhi 15 meter tha. Then from this point to this point and it was 20 meter. Okay. So he started. Unhone yahan se measure karna shuru kiya. Ye pura measure karte karte jab wo yahan tak aaye to ye total measure अभी क्वेश्चन तो वही है ना कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हमें तो वायर पता करना है ना कि टोटल वायर कितनी चाहिए अब उन्होंने क्या किया 20 प्लस 15 इन चारों को ही ऐड कर दिया मींस चारों को प्लस कर दिया तो ये कितना आया टोटल 35 प्लस 55 प्लस कितना हुआ 70 यस इट इज 70 मीटर्स तो हमें कितने वायर की रिक्वायरमेंट है 70 मीटर हमें वायर चाहिए इस बाउंड्री को कवर करने के लिए एक और
तरीका है, हम कैसे निकालेंगे? सी, ये हमारी होती है लंबाई, इसको हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? स्पीक आफ्टर मैम, आपके साथ बोलेंगे लेंथ। के होती है हमारी चौड़ाई, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। व्हाट डू वी कॉल्ड इट? इट इज ब्रेथ। सो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो यहां पे हमने क्या किया था? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हम क्या करेंगे? इनको वन टाइम ले लेंगे और टू बार। टू ब्रैकेट में लेंथ है 20, ब्रेथ है 15। ओके, देन टू प्लस 35 और हियर 70 मीटर। सो टोटल हमें वायर की रिक्वायरमेंट है 70 मीटर। क्लियर है ना? ओके, चलिए अब सभी बच्चे यहां देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। सी अगेन, दिस इज अ वेरी स्मॉल गार्डन और हमें इसमें वायर लगानी है। ये है 15 मीटर एंड ये है 10 मीटर्स और हमें वायर लेके आनी है। देन हाउ विल फाइंड आउट, हमें कितनी वायर की रिक्वायरमेंट है, कैसे पता लगाएंगे? अब आप बताएंगे मुझे। यस, ओके, 10 मीटर 15 मीटर्स, राइट? हाँ, हम इनको एड कर लेंगे। ये तरीका बिल्कुल सही है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, बिल्कुल सही। लेकिन मैम ने एक और चीज बताई है, फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ, ये रेक्टेंगुलर शेप में है ना, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू लेंथ प्लस ब्रेथ। टू लेंथ हो गया 15 प्लस ब्रेथ हो गया 10। वेरी गुड, क्लियर हो गया। इट मींस आपको है ना, मल्टीप्लाई 25 एंड हियर इट कम्स 50 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ओके।